ग्वालियर शहर में लूट की वारदातें करने वाले दो बदमाशों को क्राइम ब्रांच और हजीरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूटे गए 8 मोबाइल फोन और 4 मंगलसूत्र भी बरामद किए गए हैं। यह लूट की वारदातें इन बदमाशों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में की थी और खास बात यह है कि मुख्य आरोपी संजीव शाह के पोस्ट ऑफिस में काम करता है और पढ़ता भी है, जबकि उसने अपने साथ 10वीं के छात्र सचिन को भी सहयोग के लिए रखा हुआ था। बता दें कि इन बदमाशों ने 22 नवंबर को मैरिज गार्डन के पास की जा रही एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूटा था। दूसरे को मुरार के नदी के पार टाल से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने पूरे मामले में आरोपियों को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारियों और स्टाफ को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इन्होंने कई बार हमको आज अच्छी सफलता मिली है। ग्वालियर पुलिस को मोबाइल लूटने वाले और मंगलसूत्र लूटने वाले दो लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। मैं मुख्य आरोपी जो है वो पोस्ट ऑफिस की नौकरी करता है, साथ में कुछ टीचिंग भी करता है और उसका पिछले दो महीनों में इन्होंने करीबन 8 मोबाइल लूटे हैं और 4 मंगलसूत्र लूटे हैं। अलग अलग थानों के हैं, शहर भर के। इनका पूर्व का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसमें खास बात यह भी है कि इसका एक भाई भी साथ में है, अभी बात बताई इसने, और इसका एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाता था 10th में उसको भी इसने साथ में रखा था। और ये पहले मोबाइल लूट रहे थे क्योंकि मोबाइल में इनका कहना था कि महिलाएं अगर मिल जाती हैं सुनसान जगह पे तो मोबाइल लूटने में आसान जाता है, लेकिन जब मोबाइल में पैसे नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने मंगलसूत्र लूटना चालू किया। ये कुछ वारदातें हुई थी जिसमें थोड़ा शहर में इस बात का चुनौती सी हो गई थी पुलिस के लिए, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी क्राइम ऋषिकेश मीणा और एडिशनल एसपी हमारे अमृत मीणा, इन लोगों की टीमें इसमें लगी थी। डीएसपी नागेंद्र सिकरवार और डीएसपी हमारे डी क्राइम के शिया साहब, इनकी टीमें लगी थी। तो इसमें अच्छी सफलता हमको कल मिली है जब ये पता लगा कि एक व्यक्ति जिसने अभी 22 तारीख को एक मोबाइल लूटा था वो देखा गया।